गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अमानक और नकली दवाओं की शिकायत मिल रही है, नकली दवा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी निशाने पर लिया है। नरोत्तम मिश्रा ने नकली दवाओं के लिए सीधे संबंधित थाने में शिकायत दर्ज करवाने के लिए कहा। मिश्रा ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि यह एक प्रयोग है, ये सब किसान वार्ता में कील ठोकने का काम कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरे के ललना को पलना में खिलाना अब कांग्रेस की नियत हो गई है। पीड़ा होती है कि इमरजेंसी लगाने वाले लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा महिलाओं के हक में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के सार्थक परिणाम आने लगे हैं। इसी कड़ी में फोन पर 3 तलाक देने वाले फैजल खान के विरुद्ध पहला फैसला आया है। आमजन की मदद के स्थापित कॉल सेंटर में फॉल्स कॉल करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कोरोना काल में लगाई गई पाबंदियां समाप्त कर दी गई हैं, एहतियातन सावधानियां अभी भी रखना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर जो अमानक और नकली दवाओं की शिकायत आ रही है, मैं आम जन से भी अपील करूंगा कि उनके पास अगर कोई नकली और अमानक की शिकायत आए तो वो संबंधित थाने को अवगत कराएं। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार नहीं होने देगी, ये हमारी सरकार का संकल्प है। और इसलिए इस तरह की कोई भी शिकायत अगर आती है तो तत्काल खबर दें। देखो आप इमरजेंसी के रक्षक, इमरजेंसी लगाने वाले लोग अब लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। जहां परिवारवाद हावी हो वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, इंदिरा जी के बाद राजीव जी, राजीव जी के बाद राहुल जी, राहुल जी के बाद सोनिया जी, सोनिया जी के बाद राजीव जी, राजीव जी के बाद सोनिया जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी, फिर प्रियंका या फिर रेहान, अभी से तैयार है वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। इसलिए थोड़ी सी पीड़ा होती है, कौन बात कर रहा है। वार्ता में कीलें ठोकने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। दूसरे के आंदोलन में खुद को शरीक करके वाहवाही लूटना चाहती है। जैसा मैंने कहा था कि दूसरे के ललना को पलना में खिलाना अब कांग्रेस की नियति हो गई है, क्योंकि लगभग समाप्ति की ओर कांग्रेस है। फैजल खान जो कैलिफोर्निया के हैं उनके बारे में ये फैसला आया है। कानून बना तो आज केस रजिस्टर्ड हुआ, धर्म स्वातंत्र विधेयक आया तो केस रजिस्टर्ड हुए। जो इस तरह का फरेब करने वाले लोग हैं, टेलीफोन पर तलाक लेने वाले लोग हैं, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, एक सार्थक कदम उठा रही है जिसके परिणाम आना प्रारंभ हुए। लॉकडाउन की जो पाबंदियां थी, कोरोना काल की जो पाबंदियां थी, कोरोना के कारण जो पाबंदियां थी, लगभग समाप्त प्राय अब कर दी गई। अब हमारे मेले, उत्सव, शादी विवाह, धार्मिक आयोजन पूर्ववत प्रारंभ हो पाएंगे। मोदी जी की वैक्सीन ने, वैज्ञानिकों की वैक्सीन ने, भारत की वैक्सीन ने मॉरली बूस्ट कर दिया है आदमी को, सबल हो गया है वो आत्मिक रूप से। एक अज्ञात आशंका और भय के वातावरण में जो रहता था वो समाप्त हो गया। देखिए इस तरह की जो शिकायतें आती हैं वास्तव में परेशान लोगों की मदद करने के लिए वो स्थान है, पर जब फॉल्स लोग और फॉल्स कॉल आते हैं तब इस तरह के मामलों में अलग प्रकार का संज्ञान लिया जाता है। एक ऐसा वर्ग है जो सिर्फ शिकायत के लिए रहता है, उस वर्ग के बारे में विचार करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।